हाय गाइस, दिस इज राजदीप एंड वेलकम टू योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सीखेंगे किस तरीके से oneandone.com से लिए गए होस्टिंग में से वर्डप्रेस प्लगइन को अनइंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो पे व्यूज बहुत ही कम आने वाले हैं और यूट्यूब पे आपको इस तरीके का वीडियो बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि एक बार अपने होस्टिंग पे जो वर्डप्रेस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता है, या तो वो ब्लॉगिंग के लिए अपना वेबसाइट स्टार्ट करना चाहता है, तो ज़िंदगी भर वो वर्डप्रेस प्लगइन को अनइंस्टॉल नहीं करने वाला है, क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। पर कभी कभी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने के लिए, उस वेबसाइट का कैटेगरी चेंज करने के लिए वर्डप्रेस प्लगइन को अनइंस्टॉल करना ज़रूरी हो जाता है। तो किस तरीके से करते हैं जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रिक्वेस्ट रहा, क्योंकि इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप इस रिलेटेड वीडियो को सर्च कर रहे थे और ये वीडियो आपको मिल गया है, तो लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। और प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो पहले तो आपको चले आना होगा oneandone.com पे। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसका जो डोमेन नेम है वो अभी चेंज हो गया है। इस वेबसाइट का नाम बदल के अभी रख दिया गया है ionos, और इसका डोमेन नेम भी आप देख सकते हैं ionos.com। तो यहाँ पे आ जाने के बाद पहले तो आपको आपके अकाउंट में साइन इन कर लेना होगा। आपने जिस अकाउंट से डोमेन नेम और होस्टिंग परचेस किया था, वहाँ पे आपको साइन इन कर लेना होगा। आपको अपने कस्टमर या आईडी से या फिर डोमेन नेम से और पासवर्ड दे के यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको वेबसाइट एंड शॉप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंटर हो जाओगे, तो यहाँ पे आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का नेम देख सकते हैं, आपका जो डोमेन नेम है यहाँ पे असाइन किया हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट योर वेबसाइट इंक्लूडिंग ऑल डेटा का ऑप्शन भी है। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको डिलीट करोगे, तो आपने जिस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके रखा है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर वेबसाइट विल बी डिलीटेड परमानेंटली, यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपका जो वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल था वो ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ था वो अनइंस्टॉल हो गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।